हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त रजत भगत। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं अभी तक के एंड्रॉयड के लेटेस्ट प्रोसेसर में। तो सबसे पहले अगर हम सीपीयू परफॉर्मेंस की बात करें तो एक्सिनोस 2100 में हमें 91% मिलता है और स्नैपड्रैगन 888 में हमें मिलता है 90%। मतलब आप देख सकते हैं कि एक्सिनोस 2100 हमें सीपीयू परफॉर्मेंस में 91% मिलता है। इसका मतलब ये है कि हमें सीपीयू परफॉर्मेंस में एक्सिनोस जो है फास्ट मिलता है स्नैपड्रैगन के मुकाबले। तो अगर हम देखें जीपीयू परफॉर्मेंस मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस में, तो एक्सिनोस 2100 में मिलता है हमें 95%, तो स्नैपड्रैगन 888 में हमें मिलता है 100%। मतलब जीपीयू परफॉर्मेंस में हमारा स्नैपड्रैगन काफ़ी अच्छा है। तो बैटरी लाइफ के बारे में अगर हम बात की जाए तो बैटरी लाइफ में हमें एक्सिनोस 2100 मिलता है 93% और स्नैप ड्रैगन 888 मिलता है हमें 98%। तो एक्सिनोस 2100 हमारे काफ़ी ज़्यादा जो है बैटरी खाएगा, काफ़ी ज़्यादा बैटरी यूज़ करेगा स्नैप ड्रैगन 888 के मुकाबले। ओवरऑल चिप की स्कोर के बारे में बात की जाए तो एक्सिनोस 2100 में हमें मिलता है 93% और स्नैप ड्रैगन 888 में मिलता है हमें 95%। तो अब आप बोलोगे यार सीपीयू स्कोर में तो हमारा जो है एक्सिनोस 2100 आगे था, फिर इतना ज़्यादा अंतर कैसे हुआ? तो हमारा जो जीपीयू और सीपीयू मतलब ओवरऑल चिप के बारे में बात की है तो इसलिए हमारा जो है स्नैपड्रैगन 888 आगे है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 888 में हमें जो जीपीयू मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अगर हम अंतुतु स्कोर के बारे में बात करें तो एक्सिनोस 2100 का अंतुतु स्कोर है 701589 और स्नैपड्रैगन 888 का है 713612। तो एंतुतु स्कोर में भी आप देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 888 जो है आगे है एक्सिनोस 2100 के मुकाबले। और सीपीयू जीपीयू मेमोरी और यूएक्स और टोटल स्कोर में आपकी स्क्रीन पे ये रहे। तो सीपीयू स्कोर में जो आपको पता है एक्सिनोस आगे ही था आगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्कोर में भी एक्सिनोस जो है आगे है। अगर जीपीयू के बारे में बात करें तो हमारा स्नैपड्रैगन 888 आगे है, क्योंकि उसके जो है जीपीयू परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, आपने परसेंट में भी देख लिया था, उसकी 100% थी और उसकी 95% थी। तो उस हिसाब से जो है स्कोर भी आप देख सकते हैं। और ये है मेमोरी और मेमोरी और यूएक्स में दोनों में ही एक्सिनोस 2100 आगे है। अगर गीक बेंच के बारे में बात करें तो सिंगल कोर में जो है हमें स्नैपड्रैगन 3% फास्ट मिलता है। तो अगर सिंगल कोर के बारे में बात करें तो हमें स्नैपड्रैगन 888 3% आगे मिलता है। और अगर हम मल्टी कोर के बारे में बात करें तो मल्टी कोर में हमें एक्सिनोस 3% आगे मिलता है स्नैपड्रैगन में, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर हम आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो सिंगल कोर हमें मिलता है एक्सिनोस में 2.9 गीगाहर्ट्ज़ का, 3 कोर मिलते हैं हमें 2.8 गीगाहर्ट्ज़ के और 4 कोर मिलते हैं हमें 2.2 गीगाहर्ट्ज़ के। और अगर हम वही हम बात करें दूसरी तरफ स्नैपड्रैगन 888 में, तो हमें 1 कोर मिलता है 2.84 गीगाहर्ट्ज़ का, 3 कोर मिलते हैं हमें 2.42 गीगाहर्ट्ज़ के, तो हमें 4 कोर मिलते हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के। तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीपीयू परफॉर्मेंस में एक्सिनोस 2100 स्नैपड्रैगन 888 से आगे है। कोर दोनों में ही 8-8 मिलते हैं, जो है फ्रीक्वेंसी है जो सीपीयू की वन जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2900 और स्नैपड्रैगन 888 में है 2840। मतलब एक्सिनोस 2100 यहाँ से भी जो है टक्कर दे चुका है स्नैपड्रैगन को। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें दोनों ही प्रोसेसर 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे आते हैं, और TDP की बात करें दोनों ही प्रोसेसर जो है 10 वाट की TDP लेते हैं, पर फिर भी जो है हमारा स्नैपड्रैगन कम बैटरी यूज़ करता है। मेमोरी टाइप की बात की जाए दोनों ही प्रोसेसर की, दोनों ही प्रोसेसर LPDDR5 को सपोर्ट करते हैं। अगर मेमोरी फ्रिक्वेंसी की बात की जाए तो दोनों ही प्रोसेसर 3200 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी सपोर्ट करते हैं, और दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट के हैं, और मैक्स जो मेमोरी जो है हमारी रैम जो सपोर्ट करते हैं दोनों ही 16 GB करते हैं। बाकी दोनों ही प्रोसेसर 5G सपोर्ट हैं, वाईफाई दोनों ही प्रोसेसर में 6 हैं और ब्लूटूथ दोनों ही प्रोसेसर में 5.2 है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए सब कुछ मतलब सेम है, बस डिफरेंस है तो CPU और GPU में। तो अब बात आती है प्राइसिंग की, क्योंकि प्राइस से ही हमें पता चलता है कि कौन सा जो है प्रोसेसर वैल्यू फॉर मनी है। तो जो हमारा एक्सिनोस 2100 है इसके ऊपर जो मोबाइल आए हैं वो है सैमसंग के 21 अल्ट्रा वगैरह, जो इनकी प्राइसिंग है मोबाइल की वो है 1 लाख से ऊपर। जो स्नैपड्रैगन 888 में मोबाइल आएंगे वो 40,000 से स्टार्ट होंगे और ऑनवर्ड होंगे, उसके आगे आपको 40 to 45,000 में ही
स्नैपड्रैगन 888 मिल जाएगा। पर अगर आपको एक्सिनोस 2100 वाला मोबाइल लेना होगा तो आपको अराउंड 1 लाख का खर्चा हो जाएगा। अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हो तो आपको स्नैपड्रैगन 888 काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, पर अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो तो एक्सिनोस 2100 आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।